हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम जानेंगे खाद्यान्नों यानी सीरियल्स में प्रोटीन की मात्रा कितनी प्रोटीन होती है। ये हमें जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हम जो अनाज खाते हैं हमें पता होना चाहिए कि हमें कितनी प्रोटीन मिलती है। और इसके साथ ही ये सारे जो क्वेश्चन हैं ये एग्जाम में भी पाए पूछे हुए हैं और पूछे बिल्कुल। तो सबसे पहले देखेंगे हम प्रोटीन कंटेंट इन सीरियल्स यानी खाद्यान्नों में प्रोटीन की मात्रा। सबसे पहला हम क्या देख रहे हैं, सबसे पहले चावल में प्रोटीन मात्रा 6 से 7% होती है, 12% होती और है, गेहूं में और मक्का में प्रोटीन की मात्रा 10% होती है, ठीक है। मेज और सौरघन यानी ज्वार, ज्वार में कितनी मात्रा होती है, 10 से 12% होती है। और बाजरा है, बाजरे में हमारी कितनी प्रोटीन की मात्रा होती है, 11 से 12% होती है। और जो बार्ले है, ठीक है, उसमें कितनी प्रोटीन की मात्रा है, उसमें 11.5% होती है, ठीक है। और जो हमारे ये राइज है, राइज क्या है कि हमारे राइज को 60% पॉपुलेशन क्या है, राइस पर ही डिपेंड है। किस पर डिपेंड है, चावल पर ही डिपेंड है। यानी जो हमारा पूरा संसार है, वर्ल्ड, विश्व है पूरा, इतने 195 देश हैं, ये पूरे कितने 60% कितने किस पर डिपेंड है, चावलों पे ही डिपेंड है, ठीक है। इसलिए चावलों पे ही डिपेंड, इसलिए क्या है, 60% चावलों पे डिपेंड, इसलिए चावल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगी। और आपको जानकारी के लिए बता दें, हमारा पूरा एशिया महाद्वीप 90% चावल का प्रोडक्शन और कंज्यूमर भी है। चलिए अब इसके बाद देखेंगे ये हमारा दालों में यानी प्रोटीन कंटेंट इन पल्सेस, प्रोटीन कंटेंट इन पल्सेस दालों में प्रोटीन की मात्रा क्या होती है। सबसे पहले देखेंगे चना, ग्राम, इसको क्या बोलते हैं, ग्राम इंग्लिश में चना, इसमें कितनी मात्रा होती है प्रोटीन की, 21.1%। और लेंटिन, मसूर में कितनी मात्रा होती है, 25% होती है। इसी तरह से पी, मटर यानी मटर में प्रोटीन की मात्रा कितनी होती है, 22.5% होती है। और अरहर, अरहर में, ठीक है, कितनी मात्रा होती है, 21 से 25% होती है। अरहर में कितनी मात्रा होती है, 21 से 25% होती है। फिर क्या है, मूंग, मूंग में कितनी मात्रा होती है, 25%, कितनी मात्रा होती है, 25% प्रोटीन की होती है। फिर क्या है, उड़द, उड़द में कितनी मात्रा होती है, 24% होती है। और काऊ पी, ठीक है, काऊ पी में कितनी होती है, इसको क्या बोलते हैं, लोबिया, क्या बोलते हैं हिंदी में, लोबिया, ठीक है, ये ग्रीन वेजिटेबल है, ठीक है, इसमें क्या बोलते हैं हम, काऊ पी 23.4%, इसे क्या बोलते हैं। और उसके अन्य नाम क्या है, नोन एज ए, क्या है, नोन एज ए वेजिटेबल मीट, यानी इसे शाकाहारी मीट के नाम से जाना जाता है। क्या जाना जाता है, शाकाहारी मीट के नाम से भी जाना जाता है। चलिए उसके बाद देखेंगे प्रोटीन कंटेंट इन ऑयल सीड यानी सोयाबीन में प्रोटीन की मात्रा कितनी होती है, ठीक है। सोयाबीन में प्रोटीन की मात्रा कितनी होती है, 42%, सबसे अधिक मात्रा किसी में होती है, सोयाबीन में होती है, ठीक है, सोयाबीन में होती है, जो कि कितनी होती है, 42% में। ये क्वेश्चन ऐसा कोई एग्जाम नहीं है इसमें ये क्वेश्चन पूछा ना जाता हो, सोयाबीन में प्रोटीन कंटेंट इन सोयाबीन, ठीक है। तो हमारे मॉर्निंग जो नाश्ता होता है उसमें एज ए फूड प्रेफर हमें लेना चाहिए, ये वेरी इंपॉर्टेंट होता है, यूजफुल होता है, ठीक है। और हर एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन क्या है, सोयाबीन में प्रोटीन की मात्रा कितने प्रतिशत होती है, 42% होती है, कि 42%, ठीक है। अगर देखेंगे शीशम, ठीक है, शीशम इसमें कितनी मात्रा होती है, 18 से 20% होती है। और सेक जो सेफ फ्लावर है, केक यानी खली, उसमें कितनी मात्रा होती है, इसमें भी 40 से 45% होती है। बट एग्जाम में क्वेश्चन पूछा नहीं जाता, ना ही हम लोग ज्यादा इसको यूज में लेते हैं। सबसे ज्यादा यूज में क्या लेते हैं, सोयाबीन, ठीक है, सोयाबीन ऑयल और सोयाबीन क्या बोलते हैं, सीड, ठीक है। अगला देखेंगे क्या है, मूंगफली, ग्राउंडनट, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ग्राउंडनट, ठीक है, इसमें कितनी मात्रा होती है प्रोटीन की, 26% होती है, ठीक है। फिर क्या है, लिंसेड, लिंसेड यानी क्या बोलते हैं, अलसी, अलसी का तेल भी हम प्रयोग में लेते हैं, अलसी, अलसी का तेल भी प्रयोग में लेते हैं, इसमें कितनी मात्रा होती है प्रोटीन की, 36%। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, आगे इसके नेक्स्ट वीडियो जल्दी आने वाली है। थैंक यू, लव यू, बाय, टेक केयर।